वंस अगेन सभी को मेरा सलाम। तो अब मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी न्यू क्रिटिसिज्म की, उसमें मैंने कंसेप्ट समझाया था। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई है आई ए रिचर्ड्स की, उसकी उसमें मैंने जितनी भी टर्म्स है उसकी इंपॉर्टेंट वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। अब मैं विलियम एम्पसन और क्लिंथ ब्रुक्स एंड रॉबर्ट पेनवेरन की जो है इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। इनके जो मेजर वर्क्स है और मेजर जो टर्म्स इन्होंने दिए उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे, विलियम एम्पसन से। विलियम एम्पसन, तो विलियम एम्पसन वॉज एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो विलियम एम्पसन का कुछ भी नहीं है याद करने वाला, इसका एक ही वर्क है, एक ही टर्म है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। इसका है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी ऑफ एम्बिग्यूटी 1930। ये इसने एक वर्क लिखा है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, इसका एकमात्र वर्क है। और इसने 7 तरह की एम्बिग्यूटी बताई है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग्स, जब किसी एक चीज के एक से ज्यादा मीनिंग निकले और जिसका मीनिंग क्लियर ना हो और हम एक अल्टीमेट मीनिंग ना निकाल पाए, वो होती है एम्बिग्यूटी। कोई चीज एम्बिगुअस है, इसका मतलब यह है कि उसका कोई मीनिंग फाइनल है नहीं। तो इसने बोला है कि जो हमारी जो पोएट्री होती है या फिर एक लिटरेरी वर्क होता है उसमें 7 तरह की जो है एम्बिग्यूटी हो सकती है। किन कारणों से हो सकती है, इसमें वैसे याद करने की जरूरत है नहीं कि वो 7 एम्बिग्यूटी कौन सी, क्योंकि इसने पर्टिकुलरली कुछ बताया नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़कर मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको ऐसी आइडिया हो जाएगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले ये बात करता है, द फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी इज मेटाफर। और ये मेटाफर किस तरह का मेटाफर की बात कर रहा है, कि जब दो चीजों को एक जैसा दिखाया जाता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होती है। कैसे, जैसे कि हमने मेटाफिजिकल कंसीट आपने पढ़ी होगी जॉन डन की, तो वो क्या करता था कि चीजों को, ऐसी चीजों को कंपेयर कर लेता था जो बिल्कुल डिससिमिलर होती थी, जिनका आपस में कोई भी मेल नहीं होता था लेकिन उनको कंपेयर कर लेता था, तो क्या होता था, एम्बिग्यूटी आ जाती थी, एक मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता था कि ये असल में बात क्या कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो वो लॉजिक हमें पता नहीं लगता था। पहली इसने ये बोली है। दूसरी ये कहता है कि टू और मोर मीनिंग्स आर रिजॉल्व्ड इनटू वन। एम्पसन कैरेक्टराइजेस दिस एज यूजिंग टू डिफरेंट मेटाफर्स एट वंस, कि जब हम दो मेटाफर्स एक जगह यूज करते हैं तो भी एम्बिग्यूटी आ सकती है, ठीक है। तीसरा ये कहता है, टू आइडियाज दैट आर कनेक्टेड थ्रू कंटेक्स्ट कैन बी गिवन इन वन वर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो जब टू आइडियाज जो है, दो आइडियाज जो कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं, वो एक ही वर्ड में दिए जाते हैं एक ही साथ, दो आइडियाज एक ही वर्ड में एक टाइम पे एक साथ, तो उससे भी एम्बिग्यूटी आ जाती है, ठीक है। फोर्थ ये कहता है, टू और मोर मीनिंग्स दैट डू नॉट अग्री बट कंबाइन टू मेक क्लियर अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड इन द ऑथर। जब टू मीनिंग्स है वो साथ आने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो साथ डाल दिए जाते हैं, वो भी एक जो है एम्बिग्यूटी पैदा करता है। फिफ्थ जो है, when the author discovers his idea in the act of writing, Empson describes a simile that lies halfway between two statements made by the author। तो ये कह रहा है कि जब दो स्टेटमेंट जो ऑथर बोलता है बीच में एक सिमिली जो है वो आ जाती है, तो उससे भी एक जो है एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है। सेकंड लास्ट है, व्हेन अ स्टेटमेंट सेज नथिंग एंड द रीडर आर फोर्स्ड टू इन्वेंट अ स्टेटमेंट ऑफ देयर ओन, मोस्ट लाइकली इन कंफ्लिक्ट विद दैट ऑफ द ऑथर। तो ये कह रहे हैं कि जब स्टेटमेंट कुछ बोल ही नहीं रही है, ठीक है, एंड द रीडर्स आर फोर्स टू इन्वेंट अ स्टेटमेंट ऑफ देयर, स्टेटमेंट का कुछ मीनिंग हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी जो रीडर्स है उनको जो है फोर्स किया जा रहा है कि आप जबरदस्ती एक मीनिंग निकालो। भाई जब उसका मीनिंग कुछ उस तरह का नहीं निकल रहा है, रीडर नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर भी हमें फोर्स किया जा रहा है उस राइटिंग के थ्रू कि हाँ आप एक मीनिंग निकालो, तो उससे भी एम्बिगुअस है, क्योंकि हम सब अब अपना कुछ ना कुछ उसमें ऐसी मसाला डालेंगे फालतू का। लास्ट ये कहता है, टू वर्ड्स दैट विद इन कंटेक्स्ट आर अपोजिट्स That expose a fundamental division in the author's mind. जो two words होते हैं बिल्कुल opposite होते हैं लेकिन फिर भी उसको इकट्ठा डाल दिया जाता है author के द्वारा या फिर author के mind की बात, fundamental division जो है author अपने दिमाग में कर रहा है लेकिन readers को पता नहीं कि ये क्या बोलना चाहता है। तो ये हो गई है आपकी 7 तरह की ambiguity। इसमें इससे ज़्यादा याद करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। विलियम एम्पसन हो गया हमारा खत्म। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्लिंथ ब्रुक्स। क्लिंथ ब्रुक्स इंपॉर्टेंट है, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है, द वेल रॉट अर्न।
1947 जब हमारे भारत को आजादी मिली थी। अर्न होता है द ग्रेशियन अर्न, कीट्स की पोएम भी है, एक घड़ा टाइप होता है या फिर मिट्टी का एक बर्तन होता है, ठीक है, द वेल रॉट अर्न। तो 1947 में इसने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है। इसी से हमारी जो एक टर्म हमारे पास आई है इसकी मोस्ट फेमस, वो है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। पहले आपको मैं एक इसका और वर्क बता देता हूं। इसका एक और वर्क है मॉडर्न पोएटिक्स है शायद, पोएटिक्स एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशन 1939, मॉडर्न पोएटिक्स एंड ट्रेडिशन। पोएटिक्स में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि मैं बिना देखे पढ़ाता हूँ तो इसमें हो सकता है कि गलत हो, मैं गलत नहीं बताना चाहता आपको। मॉडर्न पोएट्री है, ठीक है, पोएटिक्स नहीं है, मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन, इसका एक ये वर्क है। तो ये दो वर्क्स आप ध्यान में रख लो, ठीक है। अब जो है ये इसकी दोस्ती जो है क्लिंथ ब्रुक्स की वो थी रॉबर्ट पेनवेरन से, काफी अच्छी दोस्ती थी इसकी। तो इसने रॉबर्ट पेनवेरन के साथ मिलकर एक वर्क लिखा, एक नहीं बल्कि दो लिखे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938। ये वर्क क्लिंथ ब्रुक्स ने लिखा है रॉबर्ट रॉबर्ट पेनवेरन के साथ। जो रॉबर्ट पेनवेरन है ये भी न्यू क्रिटिसिज्म में ही एक राइटर है, ठीक है, इसको भी मैं भी इसके बारे में भी दो तीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग पोएट्री जो बुक है वो लिखी रॉबर्ट पेनवेरन के साथ क्लिंथ ब्रुक्स ने, एक फिर उसके बाद सेम अंडरस्टैंडिंग फिक्शन भी लिखा इन्होंने मिलके, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, ठीक है, दोनों ने, रॉबर्ट पेनवेरन और क्लिंथ ब्रुक्स। कई बार मैच करने के लिए आ जाता है कि भाई बताओ ये दो राइटर, जैसे कि आजकल नेट में क्वेश्चन आ रहे हैं ए एंड टू बी एंड सी, सी एंड डी, डी एंड ए, ऐसे ऐसे करके, तो क्लिंथ ब्रुक्स होगा एक जगह, रॉबर्ट पेनवेरन होगा दो ऑप्शन कोई और होंगे, तो इस तरह कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने वर्क्स लिखे। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है और पोइट्स के लिए तो बहुत अच्छी है। हेरेसी, सबसे पहले तो हेरेसी समझ लो कि क्या है, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, हेरेसी का मतलब होता है कोई भी अपोजिट बिलीफ, किसी भी चीज के जब अपोजिट कोई एक एस्टेब्लिश आइडिया है, कोई हमारे मान लो कास्टिज्म का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कास्टिज्म बहुत है हमारे, तो एक आइडिया एस्टेब्लिश है हमारे गांव में या फिर कहीं भी कि जो लोअर कास्ट का है उसको टच नहीं करना है, ही और शी इज एन अनटचेबल एंड यू आर नॉट सपोज टू लेट देम इन इनसाइड योर होम। तो फिर इसीलिए हम, लेकिन कई पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं हम तो जी हम नहीं मानते कास्टिज्म वगैरह, हम तो इनको अंदर लाएंगे, सब इक्वल है, सब बराबर है। तो ये हो गया हमने क्या किया हेरेसी, कि एक हमारा जो आइडिया है वो किसी के अपोजिट है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, क्लिंथ ब्रुक्स कहता है कि हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, क्लिंथ ब्रुक्स कहता है कि हम कई बार कोशिश करते हैं जो एक पोएट्री होती है, मान लो ये पेज है एक, इस पे पोएट्री लिखी है ऐसे, ठीक है, इतनी लाइनों में लिखी है। अब जो प्रोज है, प्रोज पूरा लिखा जाता है, ठीक है, पूरी पूरी लाइनों में ऐसे से करके, यहां से एक स्टैंजा नया शुरू हुआ ऐसे, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि हम कई बार कोशिश करते हैं, ये लाइट चली गई, आई विल कंटिन्यू, सो आई होप यू एंजॉयड। तो ये बात कर रहा था मैं कि ये है पोएम, ये है प्रोज। तो ये जो है क्लिंथ ब्रुक्स कहता है कि भाई तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम पोएम को प्रोज बना दो, तुम इसका पैराफ्रेज करके पोएम को प्रोज में पैराफ्रेज कर लो और इसका मीनिंग निकाल के यहां लिख लो। ये कहता है कि फॉर्म एंड कंटेंट, फॉर्म एंड कंटेंट दो ऐसी चीजें हैं। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, कैसे लिखी गई है। देख जैसे इस ऐसे लिखी जाती है ना पोएम, प्रोज ऐसे लिखी जाती है पूरे पेज में या फिर पूरे सेंटेंस में, तो पोएम जो है उसमें बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं, तो वो होती है फॉर्म। तो ये कहता है कि फॉर्म और कंटेंट वो जो पोएम में
वर्ड्स लिखे हैं उसने, कंटेंट आप समझते हो। तो ये कहता है कि फॉर्म और कंटेंट जो है दीज आर टू इनसेपरेबल एलिमेंट्स। ठीक है, पूरा काम ही खराब हो गया। इनसेपरेबल, ठीक तो बोल रहा हूं मैं। तो ये कहता है कि फॉर्म और कंटेंट जो है ये दो ऐसी चीजें हैं जिसे हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये बात कर रहा है साइंटिफिक लैंग्वेज की, वही वाली बात जो आई ए रिचर्ड्स भी करता है। ये कहता है कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसको आप, उसकी जो फॉर्म है उसका आप कंटेंट अलग कर सकते हैं, उसकी फॉर्म और कंटेंट को अलग किया जा सकता है, लेकिन पोएम पोएटिक लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और ये कहते हैं कि ये एक बस एक धारणा है, मनगढ़ंत बात है कि आप पैराफ्रेज कर लोगे पोएम को एज इट इज और उसका मैसेज एज इट इज रहेगा। ये कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, हम पोएम को कभी भी प्रोज में तब्दील नहीं कर सकते और उसका मीनिंग एज इट इज नहीं रहेगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसमें बहुत सारी डिवाइसेस यूज होते हैं, प्रोज में सब खत्म हो जाएगा, मैसेज क्लियर नहीं होगा। इसीलिए ये इसे हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज कहता है कि ये आपका बिलीफ जो है, अपोजिट बिलीफ, ये बिल्कुल गलत है। इसके ये जो है बिल्कुल भी पैराफ्रेज हम इसे कर ही नहीं सकते। तो मैं ये आपको पढ़ के भी बता देता हूं, इसने बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि अ ट्रू पोएम इज अ सेमुलेक्रम ऑफ रियलिटी। सेमुलेक्रम बॉडरिलार्ड वाला भी कंसेप्ट है, सेमुलेक्रा, सेमुलेक्रम जो है, सेमुलेक्रम का मतलब होता है रियल लाइक, लाइफ लाइक कोई चीज होती है, किसी चीज की कोई कॉपी। ठीक है, अ ट्रू पोएम इज अ सेमुलेक्रम ऑफ रियलिटी। ठीक है, कि जो एक ट्रू सच्ची एक पोएम है वो एक उसकी नकल है, मतलब कि एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज कॉपी है किसकी, रियलिटी की। ठीक है, एन एक्सपीरियंस रादर देन एनी मेयर स्टेटमेंट अबाउट एक्सपीरियंस। वो कह रहा है कि जो पोएम है वो एक एक्सपीरियंस है, ना कि कोई, वो किसी एक्सपीरियंस के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो खुद ही एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो पोएम है वो खुद ही एक एक्सपीरियंस है, और एनी मेयर एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम एक्सपीरियंस। एब्स्ट्रैक्शन होता है अनरियलिस्टिक आइडिया। तो कोई भी जो पोएम है वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, अपने आप में एक फील है। ठीक है, उसको आप पैराफ्रेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यही बात बोल रहा है कि ये पैराफ्रेज। तो ये क्या बोलता है कि एक पोएम में इंटेंशन, ये टेंशन होती है, जैसे कि एलन टेट का जो कंसेप्ट है वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, कल वो वीडियो डालूंगा। ये कहता है कि टेंशन, उसमें टेंशन होती है, आयरनी होती है, कई सारी चीजें होती है, वो भी मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। ब्रूक्स एम्फेसाइज्ड स्ट्रक्चर, टेंशन, बैलेंस एंड आयरनी ओवर मीनिंग, स्टेटमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। ये कहता है कि इसमें एक, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें टेंशन होती है, टेंशन का मतलब है उसमें इंटेंशन भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है, उसमें कनोटिव मीनिंग भी होता है, डिनोटिव मीनिंग भी, डेनोटेटिव मीनिंग भी होता है। ठीक है, वो मैं अलग से समझाऊंगा एलन टेट के कंसेप्ट में। तो आयरनी, आयरनी सबसे बड़ी चीज ये कहता है कि आयरनी होती है इसमें। अब आयरनी को आप पैराफ्रेज कैसे कर लोगे, है ना? आयरनी, ये दो आयरनी बोलता है, एक बोलता है वर्बल आयरनी, दूसरी कहता है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी, अब ड्रामेटिक आयरनी प्ले का एक पार्ट है, ड्रामा का। और वर्बल आयरनी क्या होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ ब्लैक गाय एंड आई से दैट योर स्किन इज व्हाइट। ठीक है, तो वर्बल, अब उसकी स्किन काली है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि तेरी स्किन भाई व्हाइट है। ठीक है, तो ये वर्बल आयरनी, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं बिल्कुल अपोजिट बोल रहा हूं उसके जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है। ड्रामेटिक आयरनी होती है जब स्टेज पे कुछ हो रहा है और उस कैरेक्टर को पता नहीं है लेकिन ऑडियंस को पता है कि अब सच्चाई क्या है, सब कुछ ऑडियंस को पता है लेकिन उस कैरेक्टर को पता नहीं, वो बेवकूफों की तरह ऐसे इधर उधर फालतू की बात कर रहा है, उसको पता नहीं है लेकिन ऑडियंस को पहले से ही पता है कि हो क्या रहा है, तो वो होती है ड्रामेटिक आयरनी। तो ये दो चीजों की बात करता। तो ये कहता है कि आयरनी होती है इसमें, इसमें टेंशन होती है, तरह तरह का बैलेंस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, हम इसको पैराफ्रेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये इसे हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज कहता है। अब रॉबर्ट पेनवेरन की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बीच में लाइट चली गई थी तो मेरा ना थोड़ा सुरूर टूट गया, एक जो कंटिन्यूटी, इसीलिए वो इम्बैलेंस, इनसेपरेबल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, बट नेवर माइंड। हमें, हमारा मकसद है कि हम, हमें जो कंटेंट मिल रहा है उसको आराम से घूटो, खाओ, चबाओ और पचाओ और अपना काम निकालो, अपना उल्लू सीधा करो, सीधी सी बात। अब रॉबर्ट पेनवेरन, जो अच्छा मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो और जो बुरा मिल रहा है उसे डिलीट करो एंड मूव ऑन, ये होना चाहिए लाइफ का फंडा।
अब आप नेगेटिव चीजों में ही फंसे रहोगे तो फिर पॉजिटिव कब देखोगे आप, तो आगे कैसे बढ़ोगे, वहीं फंस के थोड़ी ना रहना होता है, यही लाइफ है। अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करो, बुरी चीजों को एक्सेप्ट करो, बुरी चीज को अच्छी चीजों को देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। रॉबर्ट पेनवेरन, इसकी कोई खास टर्म नहीं है, कोई वर्क नहीं है, वर्क इसका वही है जो इसने अंडरस्टैंडिंग पोइट्री और अंडरस्टैंडिंग फिक्शन जो है क्लिंथ ब्रुक्स के साथ लिखा है। एक और चीज इसने सदर्न रिव्यू, एक ये लिटररी जर्नल था जो इसने फाउंड किया है क्लिंथ ब्रुक्स के साथ मिलकर, ठीक है, क्लिंथ ब्रुक्स के साथ मिलकर। ये दोनों मैंने कहा ना बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने बहुत सारे काम साथ किए। सदर्न रिव्यू 1935 में फाउंड किया, ठीक है। और इसके बारे में एक बहुत ही खास बात यह है कि ही इज द ओनली पर्सन जिसे पोएट्री के लिए भी और फिक्शन के लिए भी पुलित्जर प्राइज मिला है, ठीक है, पुलित्जर प्राइज जो है अमेरिका में दिया जाता है। ही वॉज एन अमेरिकन और ये मूवमेंट भी अमेरिकन है, न्यू क्रिटिसिज्म। तो ही इज द ओनली पर्सन, ओनली अमेरिकन भी कह सकते हैं, जिसे पुलित्जर प्राइज मिला है पोएट्री के लिए भी और फिक्शन के लिए भी। ये दो बातें इसके बारे में खास है जर्नल इसका, ये और इसकी जो दो बुक्स है वो उसके साथ मिलके। तो ये है हेरेसी और पैराफ्रेज। मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया जितना मुझे आता था और कोशिश मैंने पूरी की है, फिर भी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, और अच्छा लगा हो आपको, एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, मज़ा आया हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही मज़ा ले सकते हो ज़िंदगी का, ठीक है फिर, है ना, बाय।